मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। हर साल 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैंसर से जुड़े मिथ्स। कैंसर जितनी जटिल बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा भयावह इससे जुड़े मिथ्स हैं जिनकी वजह से बहुत बार पेशेंट के इलाज में देरी हो जाती है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर लाइलाज है। जैसे जैसे समय के साथ साइंस ने प्रोग्रेस की है, अधिक से अधिक कैंसर न केवल सुचारू रूप से इलाज पा सकते हैं अपितु बहुत सारे कैंसर्स में हम बीमारी को जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। दूसरा, यह भी माना गया है कि कैंसर के हर पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। कीमोथेरेपी के अलावा भी कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास कई तरीके के और उपचार हैं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज एंड इम्यूनोथेरेपी। इन सब में कीमोथेरेपी की बजाय साइड इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं। बहुत बार महिलाओं को यह शक रहता है कि ब्रेस्ट में होने वाली हर गांठ कैंसर है। ऐसा नहीं होता, अधिकतर गांठें ब्रेस्ट में जो होती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं। हाँ, मगर इनका समय पे जांच कर लेना बहुत आवश्यक है। बहुत से पेशेंट्स ये मानते हैं कि हर कीमोथेरेपी के अंदर बाल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कीमोथेरेपीज में बाल नहीं जाते और जिनमें जाते भी हैं उनमें समय के साथ जब दवा बंद हो जाती है उसके बाद में बाल वापस भी आ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी सबके लिए लाभप्रद रहेगी और इसके बाद में कैंसर के पेशेंट्स को समय पर इलाज मिलने में हमें सहायता मिलेगी। नमस्कार।